अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सितारा ऑफिशियल। वो मर्द बहुत खूबसूरत होता है जिसमें हया हो, जो बाहर की औरतों को भी वही इज्जत दे जो अपने घर की औरतों को देता है, जो राह चलती किसी भी औरत को देखकर निगाहें नीचे करे, क्योंकि औरत के साथ साथ मर्द में भी हया हो तो दुनिया की सारी औरतें महफूज रहेंगी। बाप औलाद के लिए वहाँ तक हाथ फैला देता है जहाँ वो पांव रखना भी पसंद नहीं करता। हम भी जाएंगे उन गलियों में जिन गलियों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। अम्मी आयशा सद्दीका दुनिया की वाहिद खातून जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने खुद दी। खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की शख्सियत है। मोहब्बत सबके लिए सुरख गुलाब नहीं होती। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन इसके पीछे बाज़ औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती है। अच्छी लड़कियां मोहब्बत से ज़्यादा अपनी इज्जत की परवाह करती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत इस हाल में फौत हो के उसका शोहर उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं मोहब्बत और इत्तिफाक से बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहनो कि ये ज़्यादा पाकीज़ा और उम्दा लिबास है। जब माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान के सारे पर्दे उठ जाते हैं और अल्लाह वो दुआ खुद सुनता है। लंबी दोस्ती के लिए दो चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो। अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। कुरान पाक पत्थर दिलों को मोम करता है, टूटे दिलों को जोड़ता है और बीमार दिल की शिफा है। औरत वो पत्थर है जिसे दुनिया की कोई नफरत नहीं तोड़ सकती। औरत को जब भी तोड़ा मोहब्बत ने तोड़ा है। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी जिल्लत भी ये सोच के बर्दाश्त कर लेता है। वो जिन्हें घर की चार दीवारी में छोड़ के आया है वो इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। मर्द वो हस्ती है जो माँ की गोद से लेकर तख्ता गुसल तक दूसरों की खातिर जीता है। मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि मुस्कुराते रहना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मुखलिस औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है और ना ही शख्सियत से। वो तो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। बेटियों से मोहब्बत करना, उन्हें इज़्ज़त देना और उन्हें जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नत है। एक रिवायत में आता है कि जब मियाँ बीवी इकट्ठे नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह पाक देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बात तहज्जुद की है तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मौज़िन की नहीं बल्कि दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दिन वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया मुकफ़ात अमल है, जो बोओगे वही काटोगे। जन्नत की दो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह का दीदार और दूसरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश। या अल्लाह हमें दोनों नेमतें नसीब फरमा। ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना लेती हैं, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। नस्ली दोस्त कितना भी नाराज़ हो, मगर दुश्मनों की सफ़ में खड़ा नहीं होता। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शोहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शोहर का प्यार वक्त तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा फरमाए। वज़ू, कफ़न, दुआ, दफन और यूं कहानी ख़त्म। जाते जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के जाना।